बीटा में 4 नवंबर श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट राघोपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक अमेरिकी दृष्टिकोण विषय पर अमेरिका के वेस्लेन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर विलियम आर पिंच ने व्याख्यान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। स्वागत वक्ता ट्रस्ट के सचिव सत्यजीत सिंह ने कहते हुए कहा है कि यह आश्रम स्वामी सहजानंद सरस्वती के विचारों को आगे बढ़ाने का काम सदा करता रहेगा। कि आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अमेरिकन इंडियन वर्जन मैं विजय को कहता हूँ इंडियन विद अमेरिकन वर्जन। हमने दुनिया में बहुत लोगों से मिला है, इस देश के लोगों की, इस देश के गरीब ये सोचने के लिए उससे मोहब्बत सरदा के लिए कोई जरूरी नहीं है। हमारे चमड़े का रंग कैसा हो, हम किस धर्म के हैं और किस देश के हैं। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं स्कॉटलैंड पुलिस आयरलैंड में लंदन के स्ट्रीट में जिसका बचपन इस देश में बीता है। 10-15 साल इस देश में आते जाते गए हैं। उन लोगों को भी हमने देखा है कि आप हमसे कम सभा और प्यार इस देश के अमीर गरीबों के लिए जनता के लिए है। और विजय और लेखर सभा नहीं था, इनकी आत्मा, इनका सारा जिंदगी का शोध तो स्वामी जी किसान सभा और इस देश के विभिन्न कल्चरल और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इशू पर ही पूरा जिंदगी निकल रहा है। ये सच्चे वाक्य थे और बिहार के सच्चे सुपुत्र हैं। इंडियन स्पिरिचुअल लीडर टू टर्न आउट द पेजेंट्स लीडर, स्पिरिचुअल और पेजेंट्स, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में नहीं है। बहुत रिवोल्यूशनरीज हैं वो स्पिरिचुअल नहीं थे, बहुत धर्म गुरु हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो गरीबों के लिए डंटा नहीं उठाए। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सन्यासी का जिंदगी जिए और क्रांतिकारी का काम किए, ये दुनिया में बेमिसाल है। उसी के क्रम में हम इसको देश से बाहर विलियम पिंच वाटर हाउसर के स्टूडेंट्स के थ्रू अमेरिका और यूरोप के हिस्टोरियन के बीच में इनके विचार को इस जगह पर ले जाएंगे। आप लोगों के साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। विलियम आर पिंच ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज आश्रम उन्हें अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित है। पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद ने साल देकर के तथा प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी ने मोमेंटो देकर के उन्हें सम्मानित किया। कैलाश चंद्र झा ने कहा कि विलियम आर पिंच पहली बार वाटलर हाउसर के शिष्य के रूप में आए। वाटलर हाउसर के 6 छात्राओं में बिहार पर काम किया और किसी न किसी तरह स्वामी सहजानंद सरस्वती पर काम किया है। मेरा विलियम आर पिंच से पारिवारिक व निजी संबंध रहा है। विलियम आर पिंच का जन्म दिल्ली में ही हुआ है। उनका एक नाम विजय भी है और मैं विजय पिंच को हर सामग्री भेजता हूँ जिसे ये वाकिफ रहा करते हैं। प्रोफेसर विलियम आर पिंच, उस समय में हम दोनों की मुलाकात हुई, वो ईयर था 1982 और वो उस समय में हिंदी सीखने के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज दिल्ली आए थे वाल्टर हाउजर के स्टूडेंट के रूप में। और वाल्टर हाउजर की ये खूबी थी कि अपने स्टूडेंट्स का बहुत ही केयर करते थे और वो हमेशा मुझे और इन लोगों को टच में ढूंढते थे। एंगल ये रहता था कि वाल्टर हाउजर ने अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो स्वामी जी और बिहार और किसान सभा में काम करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि उनके स्टूडेंट्स चाहे अंडर ग्रेड हो या यू नो पोस्ट ग्रेड हो या पीएचडी के हो, वो उस समय से ही स्वामी जी से जुड़ जाते थे। जो एक प्रोफेसर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो किसी न किसी रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती से वाल्टर हाउजर को लेकर वो स्टूडेंट सब जुड़ जाते थे और उसी से कुछ
निकल कर आते थे, जो पीएचडी करते थे, जिनके वो गाइड होते थे, और जब वो फाइनली उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में 6 स्टूडेंट्स थे जिनको इन्होंने पीएचडी गाइड किया और वो बिहार पे काम किए और समहाउ समवेयर रिलेटेड टू स्वामी सदानंद सरस्वती की सर, वहीं से निकल करके आता था। बाद में सब लोगों ने अपना अपना सब्जेक्ट चेंज किया, डाइवर्सन किया, लेकिन बिगिनिंग वहीं से होती थी। तो आप 6 में से 5 जो है सो एकेडमिक्स में गए और 1 IIM या IBM वगैरह में गए, लेकिन 5 उनके जो फॉर्मर स्टूडेंट्स कहेंगे वो सब प्रोफेसर हुए और सब लिंक निकले, इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती से और वॉल्टर हाउजर से। तो ये आप समझ सकते हैं कि